ऑनलाइन में आपने देख ही लिया होगा कि ये क्या करने वाला है, किस चीज़ का रिव्यू करने वाला है। तो भाई अगर टेक्निकल गुरुजी गाड़ी के एबीएस सिस्टम का रिव्यू कर सकता है तो मैं इसका क्यों नहीं कर सकता। जोक सा पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे ये प्रोडक्ट मैंने देखा है अमेजोन पे और मुझे रिक्वायरमेंट थी और मुझे पसंद भी आया क्योंकि प्राइस रेंज इसका ठीक था। ऊपर से मुझे सेल में थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था, तो अभी तो इसका प्राइस वगैरह मैं वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ, तो काफ़ी चीप है और बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आगे फिर क्या क्या है और पूरी समझते हैं इसके बारे में वीडियो। ओके तो यहाँ पर फटाफट करता हूँ मैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं फिर इसके अंदर क्या है। तो ये इसका यहाँ पर बिल है, बाकी पैकेट में कुछ नहीं है। और ये है इसका बॉक्स कुछ इस तरह से। पिट्रॉन का वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऑडियो इन ट्यून्स ईवो इन ईयर वायरलेस हेडसेट, स्वेट प्रूफ स्टीरियो हेडसेट। तो मोटा मोटा यहाँ पर नज़र डालते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये स्वेट प्रूफ है और इधर क्या लिखा है, इधर इसका कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा है तो मैं पढ़कर बता देता हूँ कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी है और 10 मीटर तक इसका ट्रांसमिशन रेंज है। मींस आप अपने फ़ोन से जो है वो 10 मीटर तक जो है वो म्यूज़िक सुन सकते हैं या बात कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पढ़ लेना, आप स्पीकर 10 mm के हैं इसके। और चार्जिंग 5 वोल्ट का है। बैटरी जो है इसकी 70 mAh की है, पॉलीमर लिथियम बैटरी है इसका। और वर्किंग टाइम जिसका बैकअप है वो 3 आवर्स का है। और प्लेबैक टाइम जो है इसका लगभग, जैसे आप कंटिन्यूस गाने सुनते हैं तो 2 घंटे तक इसका प्लेबैक चलेगा। और स्टैंड वाइज का अगर आप कुछ नहीं करते हैं और फिर भी बैटरी जो है वो लगभग 24 आवर्स तक जो है वो बैटरी स्टैंड बाई रह सकती है। चार्जिंग टाइम इसका 1.5 आवर है, मतलब 1.5 घंटे में इसका पूरा चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे MRP 2000 लिख रखा है, बट मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे 2000 में नहीं पड़ा, ये मुझे पड़ा है अभी मैं बात करूँ तो अभी इसका प्राइस आप अमेज़ॉन पे 749 रुपये का ये मिल रहा है। बट मुझे और भी सस्ता मिल गया था क्योंकि मैंने ये सेल में परचेज़ किया था, क्योंकि जब ये सेल लगी थी तो उस टाइम पे 500 के आसपास, 500 का आई थिंक 500 का मिल रहा था। बट अभी ये एज़ यूजुअल जो अपने प्राइस पर आ गया 749। तो फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस रेंज में और इस स्पेसिफिकेशन में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट। और मैं पहले काफ़ी टाइम से ये देख रहा था कि मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर बजट, वैल्यू फॉर मनी। ओके तो अंदर इस तरह की पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की हुई है। और ओके कहाँ से खुलता है, ओके तो फाइनली द प्रोडक्ट इज़ हेयर। और यहाँ पे कुछ ईयरबड्स हैं और दिखा देता हूँ मैं खोलकर। आजा भाई, ओके तो यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं और कुछ एक अलग से 2 अटैचमेंट है शायद ईयर्स पर लगाने के लिए। और यहाँ पे एक आपको डाटा केबल मिलती है इसको रिचार्ज करने के लिए। और बाकी ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है तो ये साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा जो मेन प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ नहीं है। तो क्वालिटी अच्छी है, मटेरियल इसका अच्छा लग रहा है, ऑपरेटिंग बटन ठीक है, माइक दिया गया है, इनबिल्ट माइक दिया गया है, यहाँ पे पिट्रॉन का ब्रांडिंग दिया गया है। और ये मैग्नेट वाले जो है ईयरबड्स हैं, ये देखिए मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, तो ये अच्छी बात है। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज। एक चीज़ प्लस पॉइंट और इसमें ये है कि जो भी इसके माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन है या जो भी ईयरफोन है इसके, वो नॉइज़ कैंसिलेशन का काम करते हैं, नॉइस रिडक्शन का काम करते हैं। सो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और इस प्राइस रेंज में इतनी सारी फीचर्स अगर मिलते हैं, तो मैंने भी यही देख के सारी चीज़ें परचेज़ करी थी। और ऊपर से तो मींस और डिस्काउंट था उस टाइम पे, पर अभी भी ये जेन्युइन प्राइस 749 का। और इस प्राइस रेंज में आपको इस स्पेसिफिकेशन में मिल जाएंगे, बट पिट्रॉन का नहीं मिलेगा। ओके तो साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, बेहतरीन बास है और कंट्रोल इसके काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे से अपना जो फ्रंट बैक और पॉज सारा बटन स्मूथनिंग काफ़ी अच्छी है। और दूसरा मेन बात की जो डिस्टेंस बताया गया है 10 मीटर रेंज का, उतना ही है, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, उतनी डिस्टेंस पर ये काम कर रहे हैं। सो
अच्छा प्रोडक्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।